नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, इस साल में शनि की साढ़े साथी हो रही है प्रारंभ। किन राशियों पर रहेंगी साढ़े साथी का साया? साढ़े साथी किन राशियों की जिंदगी को बदल करके रख देगा? साढ़े साथी में क्या लाभ क्या हानि होगी? साढ़े साथी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? शनि की कृपा से साढ़े साथी में क्या कुछ हासिल करेंगे? जी हाँ दोस्तों, साल 2023 कई राशियों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ रहा है। शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ में चले जाएंगे। दोस्तों, जब जब शनि अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो लोगों के जीवन में बड़े से बड़ा परिवर्तन आता है। दोस्तों, जिंदगी पल भर में कब बदल जाए कब पलट जाए पता ही नहीं चलता। जानेंगे वो कौन कौन सी राशियां होने वाली हैं जिनके ऊपर शनि की साढ़े साथी का साया खत्म होगा और शनि की साढ़े साथी का साया लगने जा रहा है। उससे पहले शनि की साढ़े साथी के बारे में कुछ जानकारी जान लीजिए। जब जब जीवन में साढ़े साथी का आरंभ होता है या फिर डैया आती है तो जीवन में बड़े बदलाव होते हैं। दोस्तों, जीवन का जो चक्र है हमारा, इसमें विधाता ने कुछ इस तरीके से हमारी किस्मत बनाई है, किसी को सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि मेरे अंदर सब खुशियां हैं या फिर मैं सर्व संपूर्ण व्यक्ति हूं या फिर मेरे को जीवन में सभी चीज़ें मिली है या फिर मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा या फिर ऐसा कोई कह भी दे कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने एक दूसरे में कुछ ना कुछ कमियां रखी है और वो इसलिए रखी है कि आप इंसान हैं और कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि आप जिस दिन घमंड करेंगे कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मुझे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता या फिर मैं सबसे ऊपर रहूँगा, मेरे से ऊपर कोई आ नहीं सकता, फिर मेरा ही रुतबा रहेगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यहाँ से आपके पतन का समय शुरू हो जाता है। और दोस्तों, शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि शनिदेव ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के लिए साढ़े साथी, डैया और महादशा के रूप में आते हैं। अगर आप हमेशा दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो ऐसे आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी आपको मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य बता देगा। शनिदेव अपनी दशा, महादशा, साढ़े साथी और डैया में व्यक्ति को इतना ज़्यादा रगड़ते हैं कि वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। अब आइए जानते हैं वो कौन सी राशि है जिसके ऊपर से शनि की साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनु राशि से शनि की साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। पिछले 7.5 साल से धनु राशि शनि की साढ़े साथी के चपेट में थी, जिसके चलते कुछ लोगों को मिलाजुला परिणाम प्राप्त हुआ तो कुछ लोगों को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा। आपके ऊपर से शनि की साढ़े साथी हट जाएगी और वर्तमान समय में मकर और कुंभ राशि, इन दोनों को शनि की साढ़े साथी लगी रहेगी। तो वहीं दोस्तों, मीन राशि वो राशि है जिसके ऊपर शनिदेव की साढ़े साथी का दौर प्रारंभ होने वाला है। अब सभी देवी मीन राशि वाले लोगों की परीक्षा लेने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। अब आपके जीवन में शनिदेव का प्रवेश होने वाला है। अब आपको अपने जीवन का असली टेस्ट मालूम होगा। विपरीत परिस्थिति में आप कितना बेहतर प्रदर्शन करते हैं या फिर आप अपने आप को किस प्रकार से संभालते हैं, आप किस प्रकार से अपने जीवन में ईमानदारी के साथ
सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। ये अब आपको शनिदेव की 7:30 में पता चल जाएगा। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य पर अडिग होकर के चलते हैं तो शनिदेव की 7:30 का प्रभाव आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शनिदेव आपकी कितनी परीक्षा क्यों ना लें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ आपको कार्य करना है। अब चलिए उन दो राशियों के बारे में बात करते हैं जिनके ऊपर शनिदेव की 7:30 बरकरार है। तो दोस्तों वो राशि मकर राशि और कुंभ राशि है। आपको बता दें शनिदेव एक राशि में 7.5 साल तक अपना प्रभाव दिखाते हैं, यानी कि 7:30 का दौर 7.5 साल का होता है। मकर राशि वालों के लिए क्या गुड न्यूज़ रहेगी, क्योंकि शनिदेव की 7:30 का अंतिम चरण लाभदायक माना जाता है, इसलिए मकर राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में शनिदेव का अंतिम 2.5 साल को जो समय है वो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है, क्योंकि परीक्षा का समय समाप्त हो गया है। अगर आपने पिछले 5 सालों में पूरी ईमानदारी के साथ कुछ अच्छा किया है तो निश्चित रूप से 2.5 सालों में आपका जीवन बदल जाएगा। वहीं अगर कुंभ राशि वालों के बारे में बात की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण का प्रभाव शुरू होगा, तो ऐसे में शनिदेव की परीक्षा अब भी आपके जीवन में जारी रहेगी। शनिदेव के प्रभाव से वैसे तो आपको अपने जीवन में काफ़ी लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपकी लग्न में ही गोचर करेंगे। हालांकि मानसिक रूप से थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा और शनिदेव की युति खराब मानी जाती है। आइए जानते हैं इन राशियों को किन किन चीज़ों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अब शनि की दृष्टि इन्हीं 3 राशियों पर सबसे ज़्यादा रहने वाली है। मकर राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि इनके पास कारोबार में तेज़ी से इजाफा होगा, काम कारोबार बढ़ेगा, आपके जीवन साथी की सेहत अच्छी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा और आपके संबंध जो पिछले दिनों में खराब हुए हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। आपका काम, आपकी सेल्स नहीं बढ़ पा रही थी, ग्रोथ करेगी। कुल मिलाकर के मकर राशि वालों के लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन वाणी पर थोड़ा संयम रखिए। 2.5 साल तक विवादों से दूर रहें, घर परिवार में किसी भी तरीके से वाद विवाद से बचें तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। फिर अंतिम 2.5 साल जो है आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन शनि अंतिम 2.5 साल में धन लाभ पिछले 5 साल के मुकाबले ज़्यादा देंगे, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के शनि अभी तक 12वें भाव में चल रहे थे, जिसके कारण उनके खर्चों में अनायास वृद्धि हो रही थी। परेशानियां, बीमारी से परेशान हैं, रोग से परेशान हैं, शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें अब थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। शनि अब किसी व्यक्ति की राशि में आते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। आपको बता दें सभी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आएंगे, तो ऐसे में कुंभ राशि वालों को अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकता है। शनि की 7.5 में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। काम कारोबार में बैलेंस तो कभी अनबैलेंस देखने को मिल सकता है, यानी कि कारोबार में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। कभी तेजी
कहेगी तो कभी मध्यम हो जाएगी। आने वाले 2.5 साल आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग समाज सेवक से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, अभिनेता या फिर राजनेता हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। आपको सामाजिक पद प्रतिष्ठा शनिदेव जरूर प्रदान करेंगे, लेकिन दोस्तों शनिदेव की 7.5 साथी के दरमियान आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा यही क्रोध आपको अपने पद से हटवा भी सकता है। विवादों से बचने का प्रयास करें, अन्यथा विवादों के चलते सुर्खियों में रह सकते हैं। वाणी के माध्यम से ही कार्यस्थल पर, घर परिवार में या फिर सामाजिक मान प्रतिष्ठा में आज आने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अब अंतिम राशि के बारे में बात करते हैं, तो वो मीन राशि है। मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 साथी का दौर शुरू होने वाला है। शनि की 7.5 साथी चैलेंजेस लेकर आती है। विपरीत परिस्थिति में आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना आना चाहिए। वही लोग ज़्यादा बेहतर होते हैं जो मुश्किल परिस्थिति में भी बिना डगमगाए अपने हर कार्य को करते हैं, और जो लोग मुश्किल परिस्थिति में बैठे बैठे रोते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फिर उस प्रकार के इंसानों को शनिदेव की 7.5 साथी में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 7.5 साथी के दरमियान शनिदेव आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए आते हैं। अगर आपने पूर्व में अच्छा कर्म किया है तो 7.5 साथी में शनिदेव आपको रंक से राजा बना देंगे। वहीं अगर आपने पूर्व में किसी को सताया है, किसी के साथ अन्याय किया है या फिर किसी को दुख पहुंचाया है, तो फिर आपको शनि की 7.5 साथी का दुष्परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आप आने वाली चुनौतियों का सामना हंस करके करते हैं या फिर रो करके करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। छोटी मोटी परेशानियां, बीमारियां कंटिन्यू रह सकती है, छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती है। जब शनि की 7.5 साथी प्रारंभ होती है तो इस प्रकार की छोटी मोटी दिक्कत बनी रहती है। गुप्त शत्रु से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय में किसी बड़े परिवर्तन से बचे या फिर कोई नया कार्य प्रारंभ करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आपको रुक जाना चाहिए। अगर इस समय आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो शनिदेव आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करें। इसके साथ ही विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए हो या फिर व्यापार के लिए, विदेश जाने से उन लोगों को लाभ का अवसर प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।